लेट्स रिमूव माय मेकअप विद मी, ठीक है। इतना सारा मेकअप तो हो जाता है, लेकिन जब इसको रिमूव करने की बारी आती है तो इसको कैसे रिमूव करती हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना यही काम है, डेली बेसिस पे देखें मेकअप करा जाता है और फिर उसको फौरन वीडियो ख़त्म होते ही रिमूव भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपनी लैशेज हटाऊंगी, ठीक है। आई लुक जो मेरा आई मेकअप होता है उसको क्लीन करने के लिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है ये सफोरा का आई मेकअप रिमूवर। ये वाटरप्रूफ आई मेकअप रिमूवर है आपका। अगर आई मेकअप जो है आपका अगर वाटरप्रूफ है ना, तो वो भी बहुत ही इजीली इसके साथ निकल जाता है। ये ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, उसको करेंगे शेक। और इसके बाद जी इसको एक कॉटन पैड पे लेना है, ठीक है। इसको मैं अपनी आईज पे अप्लाई करूंगी और वन स्वाइप में आपका मेकअप निकल जाता है। इस तरफ भी सेम, आई मेकअप मेरा रिमूव हो चुका है बहुत इजीली। अब जी फेस मेकअप की बारी है, उसके लिए मैं मैसेलर वाटर यूज़ करती हूँ गार्नियर का। उसको मैंने एक इस बॉटल में कर रखा है, इससे इसको लेना आसान हो जाता है। बस आप ऐसे करो और इजीली निकल आता है। इससे मैं करूँगी अपना फेस क्लीन। लिपस्टिक हम लास्ट में हटाएंगे। अब हम अपने फेस को करेंगे डबल क्लीन। मेकअप करने के बाद आप जरूर करा करें, वो मैं करने जा रही हूँ एलमिस के प्रो कॉलाज रोज क्लींजिंग बाम से। इससे आपके पोर्स भी अच्छे खुल जाते हैं और आपके फेस की डीप क्लीनिंग हो जाती है। सो गुड। इसको हम लेंगे अपने फेस पे अच्छे से करेंगे। आप इसको हाथ में लेकर रब कर सकते हो या दोनों हाथों से रब करो। अच्छे से इसे मसाज करेंगे। जी टिश्यू के साथ मुझे इसे कर लेना है क्लीन। इसको मैं वाइप करूंगी और अब चेक करना। देखिए इतना मेकअप अभी आपके फेस पे था रिमूवर के बाद भी। अच्छा जी, इस टाइप के आते हैं कॉम्पैक्ट टॉवल्स। अगर आप कहीं गए हो बाहर घूमने ट्रैवलिंग के लिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसमें इस टाइप की कॉम्पैक्ट टॉवल्स होती हैं, इनको आपने पानी में डिप करना होता है और वो सारा पानी सोख करके अच्छी बड़ी फेस टॉवल बन जाती है। और फिर पानी के साथ आप अपने फेस को अच्छे से कर लो क्लीन। अच्छा जी, फेस मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। इस पे मैं लगाऊंगी स्नेल म्यूसिन सीरम। मैं सीरम और इसकी क्रीम दोनों यूज़ करती हूँ। दिन में किसी भी टाइम में टाइम मिलता है तो मैं सीरम लगाती हूँ और सुबह को और शाम को जो मेरा स्किन केयर रूटीन होता है उसमें मैं क्रीम लगाती हूँ, ठीक है।
नेक और हैंड्स पे भी जरूर लगाएं, इनको अवॉइड ना करें। थोड़ी देर के लिए इसे फेस में अब्सॉर्ब होने देंगे और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएंगे। अब जी लगाएंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर में लगाती हूँ सेटाफिल का, ये भी बहुत अच्छा है, काफ़ी हाइड्रेटिंग है और जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत अच्छा है। मेरी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो मैं मेरे लिए ये बहुत इफेक्टिव है। लिप्स पे करूँगी लिप बाम अप्लाई। That's it.